अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोहों में शामिल माँ बेटे की जोड़ी को शाहदरा जिला की नारकोटिक सेल और स्पेशल स्टाफ की ज्वाइंट टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से तकरीबन 30 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। डीसीपी आर सातिया सुंदरम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहिद और उसकी गुड्डी के तौर पर हुई है। दोनों बाहरी दिल्ली के नरेला के रहने वाले हैं। डीसीपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह में शामिल माँ बेटे की जोड़ी भारी मात्रा में गांजा लेकर सप्लाई के लिए गांधीनगर पुस्ता रोड पर आने वाले हैं, जिसके बाद नारकोटिक सेल और स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम का गठन किया गया। इस टीम ने ट्रैप लगाकर शाहिद और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 30 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि दोनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले असगर अली के लिए काम करते थे। उसके लिए उसके कहने पर वह लोग छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर दिल्ली के अलग अलग इलाके में सप्लाई किया करते थे। इसके लिए असगर अली उन्हें 5,000 रुपए प्रति खेप दिया करती थी। शाहिद ने बताया कि पुलिस को शक ना हो इसलिए महिला के रूप में उसने अपनी मां को साथ रखा था। फिलहाल पुलिस असगर अली की गिरफ्तारी के लिए छापे कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।